लॉकडाउन एक ऐसा काल आया जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन सब के बीच हर वर्ग के लोगों को बस एक ही बात कही जा रही थी कि घर में रहिए, लेकिन कब तक? जी हाँ, कब तक? महीने गुजरे, आखिर इंसान रोजी बनकर घर में मायूस बैठा था। सभी के ऊपर भूखमरी की नौबत आ पड़ी थी, लेकिन इन सब के बीच जन्म लिया युवाओं के एक संगठन ने, जिसने अपनी हालत ना देखते हुए, अपना घर ना देखते हुए, अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, उन्हें जरा भी फिक्र नहीं हुई कि हमें भी कोरोना हो सकता है। बस मैदान में डटे रहे और समाज के लिए एक जीता जागता उदाहरण कायम कर दिया, जिसका नाम पड़ा पावर ऑफ यूथ। पावर ऑफ यूथ के अध्यक्ष और संस्थापक राहुल सिंह ने इस संगठन को जन्म दिया, जिसका काम देखते हुए हर वर्ग के युवाओं में एक प्रेरणा जागी और वे भी निकल पड़े वसई विरार के इलाकों में, कहीं खिचड़ी बांटने, कहीं कंबल बांटने, तो कहीं अनाज वितरण करने। राहुल सिंह ने ऐसे संगठन को जन्म दिया जिसे देख अच्छे अच्छे नेताओं ने तारीफ करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार के इस अधमरे फैसले को देख इन युवाओं ने भी ठान लिया कि उन्हें सिर्फ समाज सेवा करना है और बताना है देश को कि यहाँ राजनीति नहीं, सिर्फ समाज सेवा होता है। इसीलिए उन्होंने नाम दिया नो पॉलिटिकल पॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। इस अद्भुत कार्य को देखते हुए वसई विरार ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग जुड़ना शुरू हो गए और आज लगभग सैकड़ों की तादाद में पावर ऑफ यूथ ने अपनी इस संस्था को कायम किया है, जो पूरे देश में बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा में कार्य कर रही है। देश सलाम करता है ऐसे संस्था को, जनता सलाम करती है ऐसे युवाओं को जिन्हें राजनीति नहीं बल्कि समाज सेवा करना है।